फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिन्हें आप अपना खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद भी आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली मेरे पास अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम, क्या इन एक्सरसाइज को हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सुबह सुबह बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता है। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम होता है, इतनी ज़्यादा भागदौड़ होती है, ऐसे में बिल्कुल भी समय नहीं होता है कि एक्सरसाइज की जाए या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की सोचो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज की ये जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इनको आप अपना खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच करने के बाद, डिनर करने के बाद, जब भी आप फ्री होते हैं तब आराम से कर सकते हैं। कितनी देर बाद, मान लीजिए अगर आपने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो आप आराम से इनको 11 से लेकर 12 बजे तक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने 12-1 बजे लंच किया है तो इन एक्सरसाइज को आप आराम से 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको खाना खाने के और इन एक्सरसाइज के बीच में 2 से लेकर 2.5 घंटे का गैप रखना है बस। तो चलिए, कौन सी है वो एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियो लेकर मैं अक्सर हर रोज आती ही आती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इन एक्सरसाइज को। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको करना क्या है, इसी तरीके से बैठे रहना है, आराम से आप इनको अपने बेड वगैरह पर कर सकते हैं। इस तरीके से एक घुटने को हम मोड़ लेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे पैर को। एक हाथ को हम आराम से अपने फ्लोर पर, बेड पर, मैट पर, जिस पर भी कर रहे हैं आराम से रख लेंगे और दूसरे को इस तरीके से सीधा करेंगे। अब हमें करना क्या है, अपने पैर को उठाना है धीरे धीरे और इस हाथ को नीचे लाना है और इस पैर को हमें क्या है, टच करने की कोशिश करना है। ठीक है, सबसे पहले सीधा करिए, ऊपर की तरफ लाइए और इसको टच करिए। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको यहाँ पर थाइस पर, अपने जो साइड पर, आपके पेट पर, अपर बॉडी पर बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बॉडी पर इस एक्सरसाइज का इफेक्ट हो रहा है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी अभी 10-10 बार दोनों तरफ से प्रैक्टिस बता देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप अच्छे से अपने पैर को ऊपर तक नहीं ला पाते हैं तो आप जितना कर सकते हैं, जितना भी आप करेंगे आपके लिए इफ़ेक्टिव है। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी लोअर बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपका थाइस का फैट कम करेगी, आपके हिप का फैट कम करेगी, आपकी लोअर बेली के फैट को कम करेगी, आपकी बॉडी से बहुत तेज़ी से फैट बर्न होगा। ये तो हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए होगा कोई भी पतला सा पिलो, कुशन या फिर आप कपड़ा भी ले सकते हैं, और हमें रख लेना है अपने घुटनों के नीचे ताकि आपको बिल्कुल भी घुटनों में तकलीफ ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सरसाइज को कर पाएँ। फ्रेंड, जब हम खाना खाने के बाद इस तरीके से बैठते हैं तो भी ये हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और आपका पेट भी कम होता है, क्योंकि जब डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपका जो पेट है वो धीरे धीरे ऐसे ही कम होने लगता है। मैं आपको थोड़ा सा साइड से दिखाऊंगी ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। देखिए, और हमें चाहिए होगा कोई एक छोटा सा बोतल, आपके पास जिस तरीके से अवेलेबल है आप ले सकते हैं, आप इसके बिना भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, फिर मैं नॉर्मल भी बताऊँगी। इस तरीके से बैठ गए, अब हम क्या करेंगे, इसको बोतल को पकड़ेंगे और धीरे धीरे से उठना है, बस यहाँ पर हमें होल्ड करना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर वापस आना है। इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को करना है। उठे, थोड़ा सा काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, आपको मुश्किल होता है, इसको हम रख देते हैं साइड से और सीधा सा हमें क्या करना है, दोनों हाथों को सीधा करिए,
उठेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वापस। बस इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, देखने में भले आपको लग रहा हो लेकिन जब आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और ये बहुत इफेक्टिव है, आपकी पूरी बॉडी से फैट बर्न करेगी, आपका बहुत तेज़ी से वेट लॉस करने वाली है, आपकी पूरी बॉडी शेप में आ जाएगी इस एक्सरसाइज को करने से। अब देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है। दोनों पैरों को अच्छे से हमें खोल लेना है, जितना आप आराम से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ को अपने सर के पीछे लगा लेंगे, और इस वक्त हमें क्या करना है, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अब धीरे धीरे हमें साइड की तरफ बेंड होना है, एक हाथ को सीधा करते हुए अपने पैर के पंजे को टच करना है, फिर वापस आना है, फिर इसी तरीके से टच करना है। और जब आप इस तरीके से साइड की तरफ बेंड करते हैं तो देखेंगे आपकी कमर पर बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है, जो साइड पर फैट जमा हो जाता है वो रिड्यूस होगा, आपका लोअर बेली पर अपर बेली पर फैट है वो रिड्यूस होगा, और आपके थाइस पर बहुत अच्छा आपको खिंचाव महसूस होगा इस एक्सरसाइज से। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब आप इन एक्सरसाइज को खाना खाने की बात करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपने कितना ही ज़्यादा हैवी मील लिया है तब भी आप इन एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले हम बिल्कुल जिस तरीके से तितली आसन में बैठते हैं इस तरीके से आपको बैठ जाना है, दोनों हाथों से अपने जो पैर की उंगलियां हैं यानी कि जो दोनों पैरों के पंजे हैं उनको एक साथ ज्वाइंट करके हम पकड़ लेंगे। अब हमें ध्यान क्या रखना है इसमें, अपने पैरों को हमें कोशिश करना है जितना आप पास ला सकते हैं उतना लाना है। कैसे लाए, अब सीधा बैठ जाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे, अपने एक हाथ से अपने दोनों पैरों को पकड़ लेना है, और पैरों को हल्का हल्का इस तरीके से तितली आसन की तरह से हम तितली में करते हैं हल्का हल्का मूव करना है। हल्का हल्का मूव करते समय अपने एक हाथ को ऊपर की तरफ उठा लीजिए और काउंट करिए, इससे हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा अपनी कैलोरीज है वो बर्न कर लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अब दूसरे हाथ को नीचे लाएगी और पहले वाले हाथ को ऊपर लाएगी 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इससे आपकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों एक साथ अच्छे से वर्क करेगी, यानी कि पूरी बॉडी का फैट आपका रिड्यूस होगा 1, 2, 3, 4, 5 आपकी पूरे थाइस का फैट चला जाएगा, आपको पूरा लोअर वैली का फैट चला जाएगा, और अपर बॉडी लोअर बॉडी बहुत अच्छे से टोन हो जाएगी। फैट तो रिड्यूस होगा ही होगा, आपको इसके इंटरनल बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखा ये तो थी आज की हमारी एक्सरसाइज, जिनको आपको 2, 2, 3, 3 सेट में करना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इनको कम भी कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आपको करना है और अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना है, डाइट को कंट्रोल करना है। जब आप अपनी डाइट को हेल्दी रखते हैं, अपना पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया था तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।